نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज की हमारी वीडियो चावल को ख्वाब के अंदर देखने के हवाले से है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर चावल देखे हैं तो इसकी कई सूरतें हैं और हर सूरत की अलग ताबीर है। मसलन किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर कच्चे चावल देखे, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर बिरयानी को देखा, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर बिरयानी को खाया, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर चावल और दही देखे, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर चावल और दूध को देखा, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर जर्दा बनाया, या किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर जर्दा खाया, और इसी तरह की मिलती जुलती और भी बहुत सारी सूरतें हैं कि जिन सूरतों में ख्वाब के अंदर चावल नज़र आते हैं। अगर आप हजरात इन तमाम ख्वाबों की ताबीर जानना चाहती हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इन तमाम ख्वाबों की ताबीर अच्छी तरह आपको समझ आ सके। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू यानी चावल को देखने की तरफ। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर कच्चे चावल देखे हैं तो ये ख्वाब दलालत करता है तिजारत और कारोबार के अंदर तरक्की के अंदर, यानी तिजारत के अंदर तरक्की होगी, कारोबार के अंदर तरक्की होगी, या जिस भी शोबे में है, किसी नौकरी में है तो नौकरी में तरक्की होगी, यानी जिस शोबे में है उसी शोबे में उस आदमी की तरक्की होगी जिस आदमी ने ख्वाब के अंदर चावल देखे हैं। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर बिरयानी को देखा है तो ये ख्वाब दलालत करता है खुशी के ऊपर, मुसर्रत के ऊपर, दीन के कामिल होने के ऊपर दलालत करता है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने चावल खाए हैं यानी बिरयानी को खाया है तो ये ख्वाब दलालत करता है खैर व बरकत के ऊपर, मुराद पूरी होने के ऊपर और नेमत मिलने के ऊपर। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर चावल और दही देखी है तो ये ख्वाब दलालत करता है रंज के ऊपर, तकलीफ के ऊपर, मुसीबत के ऊपर। ऐसे आदमी को चाहिए कि रुजू इल्लाह करे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात मुसीबत को टाल देता है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर चावल और दूध को देखा है तो ये ख्वाब, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इस आदमी को तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी मिलेगी और रिज़्क़ हलाल मिलेगा और दौलत मिलेगी। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर जर्दा बनाया है तो ये ख्वाब दलालत करता है बहादुरी के ऊपर, अकलमंदी के ऊपर, दौलत के ऊपर और वक़ार के ऊपर। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने जर्दा खाया है तो ये ख्वाब दलालत करता है दीन के कामिल होने के ऊपर, खुशी के ऊपर, सुकून मिलने के ऊपर, राहत के ऊपर और आराम वाली जिंदगी गुजारने के ऊपर ये ख्वाब दलालत करता है। अगर आप भी हमसे कोई ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं या कोई मसला पूछना चाहते हैं या कोई इस्तखारा करवाना चाहते हैं या बच्चों को ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाना चाहते हैं या तर्जमा तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉल वाला नंबर भी यही है। आप कॉल करके भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।